स्पेस एक्सप्लोरेशन का एवोल्यूशन एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो सदियों से चली आ रही है, और इसमें टेक्नोलॉजी और साइंस में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन शामिल है। मनुष्य प्राचीन काल से ही सितारों और ब्रह्मांड से आकर्षित रहा है। अर्ली सिविलाइजेशंस जैसे कि ग्रीक्स और चाइनीज ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस किए और सेलेस्टियल बॉडीज की नेचर के बारे में थ्योरीज डेवलप किए। हालांकि स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसा कि हम आज जानते हैं 17वीं सेंचुरी में टेलीस्कोप के आविष्कार के साथ शुरू हुआ, जिसने मून, प्लैनेट्स और स्टार्स के काफी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस की अनुमति दी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेस इंडस्ट्री में मनुष्यों ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं टेलीस्कोप के माध्यम से स्पेस को ऑब्जर्व करने से लेकर चांद पर पैर रखने जैसे कामों तक, और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की एक्सप्लोरेशन पर भी नजर डालेंगे। और दोस्तों, मुझे लगता है कि इनमें से कई स्पेस मिशंस के बारे में आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में पता चलने वाला है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसा कि हम आज जानते हैं 17वीं सेंचुरी में टेलीस्कोप की इन्वेंशन के साथ शुरू हुआ। टेलीस्कोप का सबसे पहला मौजूदा रिकॉर्ड 1608 में नीदरलैंड में मिडलबर्ग स्पेक्टेकल मेकर हैंस लिपरे द्वारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए सरकार को प्रस्तुत किया गया पेटेंट था। इसका असली इन्वेंटर अननोन है, लेकिन इसकी खबर पूरे यूरोप में फैल गई। गैलीलियो ने इसके बारे में सुना और 1609 में अपना खुद का वर्जन बनाया और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया। तो एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप का पहला रिकॉर्डेड यूज गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था। 1608 में आइज़ैक न्यूटन ने अपना खुद का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, जो इस तरह का पहला फुल्ली फंक्शनल टेलीस्कोप था और पिछले गैलीलियन टेलीस्कोप की कंपैरिजन में अपनी बेहतर विशेषताओं के कारण फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए एक लैंडमार्क बना। तब और अगली सेंचुरीज में सोलर सिस्टम और उससे आगे में खोजों की एक श्रृंखला चली। चंद्रमा के पर्वत, वीनस के फेजेस, जुपिटर और सैटर्न के मेन सैटेलाइट्स, सैटर्न के रिंग्स, कई कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, नए प्लैनेट्स जैसे यूरेनस और नेपट्यून और कई अन्य सैटेलाइट्स का पता लगाया गया। स्पेस एक्सप्लोरेशन का प्रारंभिक युग सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच स्पेस रेस से प्रेरित था। स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करने वाला एक की फैक्टर कोल्ड वॉर था। परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के बाद डिफेंस और ऑफेंस की कथा ने जमीन छोड़ दी और हवा को कंट्रोल करने की शक्ति पर फोकस किया गया। सोवियत और अमेरिका दोनों अननोन स्पेस की खोज के माध्यम से टेक्नोलॉजी में अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करने के लिए लड़ रहे थे। इनफैक्ट नासा का निर्माण स्पुतनिक 1 की प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऑपरेशनल लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स के डेवलपमेंट के साथ अंतरिक्ष उड़ान शुरू हुई। इनिशियली इसे हथियार के रूप में डिजाइन किया गया और इवेंचुअली इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन का रास्ता तैयार किया। आउटर स्पेस तक पहुंचने वाली पहली मैनमेड ऑब्जेक्ट MW18014 थी, जो 20 जून 1944 को लॉन्च किया गया एक जर्मन V2 रॉकेट परीक्षण था। इसने कार्मन लाइन से काफी ऊपर 176 किलोमीटर की एपोजी प्राप्त की। ये एक वर्टिकल टेस्ट लॉन्च था। हालांकि रॉकेट स्पेस में पहुंच गया, लेकिन इसने ऑर्बिटल वेलोसिटी हासिल नहीं किया और इसलिए ये पृथ्वी पर लौट आया और हार्ड लैंडिंग किया। ये पहली बार था कि कोई मैनमेड ऑब्जेक्ट स्पेस में गया लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की, जिसे सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट के रूप में जाना जाता है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो जर्मन्स ने 1942 से V2 रॉकेट लॉन्च का परीक्षण शुरू कर दिया था। बाद के वर्षों में अमेरिका और ब्रिटेन इस दौड़ में शामिल हो गए और उसके बाद सोवियत भी शामिल हो गया। परीक्षण लगातार किए गए और पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटल लॉन्च 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत अनक्रूड स्पुतनिक 1 मिशन का था, जिसका अर्थ है सैटेलाइट 1। इस सैटेलाइट का वजन लगभग 83 किलोग्राम था और माना जाता है कि इसने लगभग 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी को ऑर्बिट किया। स्पुतनिक 1 को R7 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। 3 जनवरी 1958 को
री एंट्री पर यह जल गया। पहली सक्सेसफुल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वोस्टोक 1 यानी ईस्ट 1 थी, जिसमें 12 अप्रैल 1961 को 27 वर्षीय रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन थे। स्पेस फ्लाइट लगभग 1 घंटे और 48 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाया। गगारिन की उड़ान की गूंज दुनिया भर में हुई। ये एडवांस्ड सोवियत स्पेस प्रोग्राम का प्रदर्शन था और इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की, जो था मानव अंतरिक्ष उड़ान। वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे कि किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को पहली बार स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से एक्सप्लोर कब किया गया। किसी और सेलेस्टियल बॉडी तक पहुंचने वाली पहली आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट लूना 2 थी, जो 1959 में चंद्रमा पर पहुंची थी। हालांकि इसने हार्ड लैंड किया था, लेकिन किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडी पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग 3 फरवरी 1966 को लूना 9 के चंद्रमा पर उतरने से हुई। लूना 10 चंद्रमा का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन गया, जिसने 3 अप्रैल 1966 को लूनार ऑर्बिट में एंटर किया। किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडी पर चालक दल की पहली लैंडिंग 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 द्वारा चंद्रमा पर उतरकर की गई थी। 1969 से लेकर 1972 में अंतिम मानव लैंडिंग तक चंद्रमा पर मनुष्यों के साथ कुल 6 अंतरिक्षयान उतरे हैं। पहला इंटरप्लैनेटरी फ्लाईबाई 1961 में वीनस का वेनेरा 1 फ्लाईबाई था। हालांकि 1962 में मैरिनर 2 डेटा लौटाने वाला वीनस का पहला फ्लाईबाई था, जिसने 34,773 किलोमीटर पर वीनस का क्लोजेस्ट अप्रोच किया। पायोनियर 6 सूर्य को ऑर्बिट करने वाला पहला सैटेलाइट था, जिसे 16 दिसंबर 1965 को लॉन्च किया गया था। अन्य ग्रहों की बात करें तो पहली बार 1965 में मार्स के लिए मेरिनर 4 द्वारा, 1973 में जुपिटर के लिए पायोनियर 10 द्वारा, 1974 में मर्क्यूरी के लिए मेरिनर 10 द्वारा, 1979 में सैटर्न के लिए पायोनियर 11 द्वारा, 1986 को वॉयेजर 2 द्वारा यूरेनस के लिए, 1989 में नेपट्यून के लिए वॉयेजर 2 द्वारा, 2015 में ड्वार्फ प्लैनेट्स सीरीज डॉन द्वारा ऑर्बिट किया गया और प्लूटो न्यू होराइजन द्वारा फ्लाईबाई किया गया। किसी दूसरे प्लैनेट से एटलीस्ट लिमिटेड सरफेस डेटा ट्रांसमिट करने वाला पहला इंटरप्लैनेटरी सरफेस मिशन 1970 में वीनस पर वेनेरा 7 की लैंडिंग के साथ हुआ। किसी अन्य ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान बन गया और इस मिशन ने 23 मिनट तक डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजा। 1975 में वेनेरा 9 किसी दूसरे प्लैनेट की सतह से इमेज कैप्चर और ट्रांसमिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जिसने वीनस से तस्वीरें लौटाई। 1971 में मार्स 3 मिशन ने मंगल ग्रह पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की और लगभग 20 सेकंड के लिए डेटा भेजता रहा। बाद में काफी लंबी ड्यूरेशन के सरफेस मिशंस हासिल किए गए, जिसमें 1975 से 1982 तक वाइकिंग 1 द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर 6 साल से अधिक का ऑपरेशन और 1982 में वेनेरा 13 द्वारा वीनस की सतह से 2 घंटे से अधिक का प्रसारण शामिल है, जो अब तक का सबसे लंबा सोवियत प्लैनेटरी सरफेस मिशन था। वीनस और मार्स पृथ्वी के बाहर के 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर ह्यूमंस ने अनक्रूड रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट के साथ सरफेस मिशन चलाए हैं। साल्यूत 1 किसी भी प्रकार का पहला स्पेस स्टेशन था, जिसे 19 अप्रैल 1971 को सोवियत संघ द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करंटली 2 फुली फंक्शनल स्पेस स्टेशन में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना है, जो वर्ष 2000 से लगातार बसा हुआ है। चीन द्वारा निर्मित दूसरा टियांगोंग स्पेस स्टेशन अब पूरी तरह से संचालित और चालू है। वॉयेजर 1 25 अगस्त 2012 को सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाली पहली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गई। प्रोब ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने के लिए 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर हीलियोपॉज को पार किया। 1970 में
अपोलो 13 की उड़ान चंद्रमा की सतह से 254 किलोमीटर की ऊंचाई पर और पृथ्वी से 4,171 किलोमीटर पर चंद्रमा के फार साइड से गुजरी, जो अब तक की सबसे दूर की मानव यात्रा का रिकॉर्ड है। आज के दिन वॉयेजर 1 पृथ्वी से 162.6 AU यानी 24.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जो पृथ्वी से सबसे दूर मैनमेड ऑब्जेक्ट है। सो दोस्तों, कमेंट करें कि आपने इनमें से कौन कौन से स्पेस मिशंस के बारे में पहली बार सुना है, और अगर आप इंडियन स्पेस रिसर्च के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में इसरो लिखें, हम उस विषय पर भी एक वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।